वालेकुम आप देख रहे हैं पहाड़ी न्यूज़ और मैं हूं तारक जमल आठ अक्टूबर दो हज़ार जी हाँ नाजरीन आपको याद होगा आठ अक्टूबर दो हज़ार पाँच का क्या मत जलजला सुबह आठ बजकर बावन मिनट मकामी वक्त शिदत सात अशरिया छानिया बावन सेकेंड जिसे आज १९ साल मकमल हो गए हैं जिसमें बच्चे औरतें जवान बुज़ुर्ग लुकमाए अजल बने और सैकड़ों लोग बेगर हो गए ८ अक्टूबर २००५ का क़ियामत खेज जल्जला आज से १९ साल कबल ८ अक्टूबर २००५ बरोज़ हफ़्ता तीन रमज़ानमबारक को हर शख्स अपनी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजार रहा था वालदे अपने मुस्तबिल के माहमारों को खुशी खुशी स्कूल भेज रहे थे मलाजमीन दफातर में और मज़दूर अपनी रोज़ी रोटी कमाने के खातर घरों से निकल चुके थे फिर अचानक ऐसा हुआ अगरचे क़ियामत अपने वक्त पर आएगी मगर ये दिन भी एक क्यामत शगरा से कम न था पाकिस्तान के शुमाली इलाके जिनमें बालाकोट और गिरदनवाह के अलावा आज़ाद कश्मीर के शुमाली अजिला जिनमें मौजूदा अजला जिन मुजफ्फर नीलम झेलम वैली बाग हवेली कोहटा और पुंछ के कुछ इलाके शामिल थे यहाँ सब कुछ सूरत सबक चल रहा था लोग खुशी की चहक और ख्वाब की महक में मगन थे मगर अचानक आठ बजकर बावन मिनट पर ज़मीन लर्जते हुए बालाकोट से लेकर आज़ाद कश्मीर के शुमाली अज़रा को चीरती हुई आलीशान शान गरीब की झोंपड़ी हो या सरकारी अमारात सब को तहस नहस करते हुए मकबूजा कश्मीर के ओड़ी बारहमूला तक जा पहुंची और देखते ही देखते सब कुछ खंडरात में बदल गया रेक्टर सकेल पर इस जलजला की शिदत सात शर्या रिकॉर्ड की गई और इसका मरकज आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से जानब शमाल बीस किलोमीटर की दूरी पर था जिसकी गहराई सिर्फ पंद्रह किलोमीटर थी ये दुनिया का तीसरा बड़ा जलजला था जिसमें स्कूल कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के सत्रह हज़ार तलबा तलबात समेत तिहत्तर हज़ार से ज़ायद इंसानी जानों को लुमाए अजल बना लिया लाखों लोग जख़्मी हुए हज़ारों मज़ूर और छः लाख से ज़्यादा लोगों को बेघर कर दिया नाजरीन हर तरफ़ चीखो पुकार का आलम था कहीं पर बाप की शफकत पकार रही थी और कहीं पर माँ की ममता किसी को लखते जिगर ज़ख्मी और किसी की मैत मिलती कहीं पर बहनों के सहारे कहीं पर माओ के लखते जिगर कहीं पर शफकत पिदरी से महरूम किसी को माँ की ममता की जदाई और कहीं पर औरत के सर का ताज ये जल्जला छीन कर ले गया व वालदेन जो अपने नौजवान बेटों और बेटियों के हाथों में मेहंदी लगाने की तमन्ना रखते थे तो हाथ पीले होने के बजाय खून ने रंग भर दिया नाजरीन आलम ये था कि महलू में रहने वाला हो या झोंपड़ी में सब को एक जगह इकट्ठा कर दिया और तकरीबन तीन दिनों तक आफ्टर शॉक की वजह से लोग घरों से बाहर खुले आसमान तले रहे हर तरफ नफसा नफसी का ये आलम था कि कहीं पर बूढ़ा बाप रखते जिगर की लाश रख कर पुकार रहा था तो कहीं पर बेटा माँ की लाश और कहीं पर बहने बइियों की लाशें रख कर चीखो पुकार कर रही थी मगर सपुरद खाक करने वाला मिल नहीं रहा था जिससे आसार की हमें ज़िंदगी में देखने को मिले नाजन शाज व नाजर किसी को कफन नसीब हुआ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका था सड़कें लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद पड़ चुकी थीं दिगर मौसलती निज़ाम पहले से ही मौजूद ना था दूर दराज घर से निकलने वालों के बारे में पता चल सके उसके बाद पूरी दुनिया और बिलखस पाक फ़ौज ने हंगामी बुनियादों पर हेलीकॉप्टरों के जरिए ज़ख्मियों को रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुँचाने के साथ साथ शेख खुरदनोश दूर दराज इलाकों में पहुँचाने का काम शुरू किया उसके बाद एन जी ओज़ और आलमी ममालक से इमदाद मिलना शुरू हुई और फिर वक्त के गुजरने के साथ साथ निज़ाम ज़िंदगी बहाल होने लगा शहर बहर हाल बहाल होना शुरू हुए दिवर निज़ाम ज़िंदगी का पहिया चलना शुरू हो गया मगर बस एक कमी बाकी रही वो इन बिछड़े हों की जदई जिनकी याद कभी नहीं बोली जा सकती पहाड़ी न्यूज़ दुआ करता है कि अल्लाह पाक शहदा इस जल्जला को जन्नतफरदूस में आला मकाम और ऐसी कुदरती आफात से सबको महफूज रखे तारकन जो मुगल को दें इजाज़त अल्लाह हाफिज व